हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश का, रेदर मुझे कहना चाहिए इंग्लिश का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं हैव। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हैव का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने तरीके से इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये उस सीरीज़ का पार्ट वन है। इस सीरीज में हम लोग सब कुछ जानेंगे हैव के बारे में। जब मुश्किल से हार्डली मैं इसमें 5 या 6 वीडियो ऐड करूंगा। ये 5 या 6 वीडियो अगर आप देख लेंगे, देन यू डू नॉट नीड टू रीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स। कहीं से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए और आपको ये 6 की 6 वीडियो देखने के बाद हैव पूरा क्लियर हो जाएगा। जो मेरा मेन इसमें फोकस रहेगा वो स्पोकन पर ध्यान देते हुए बनाऊंगा, लेकिन ये आपके अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपकी ये हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट वन हैव का, और मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में से। मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, और बाकी बातें आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग कितने टाइप्स के हैव कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हैव काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपको हैव का यूज़ अच्छे से आता है तो आप बहुत ही अच्छे से कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है एक हैव के यूज़ की। सबसे पहला होता है जब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये आज हम कवर करेंगे। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है उसे कैसे बोला जाता है। उसके बाद हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये अलग है बिल्कुल। हैव दोनों में आ रहा है लेकिन इनके इस्तेमाल दोनों अलग अलग है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद हैव को जब हम पजेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो मेरा हक है ये मेरी है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी बुक है, तब हम बोलते हैं। उसके बाद हैव को जब हम पेयर वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी और के साथ, जैसे सुट के संग हैव लगा दिया, कुड के संग हैव लगा दिया, मे के संग, माइट के संग, मस्ट के संग। उसके बाद जब हम हैव को इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब, वर्ब की तरह, जैसे गो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म कर रहे हैं हैव की, आईएनजी लगा रहे हैं हैव में, और लास्ट में आता है हैज़ और हैव के बाद जो बीन आता है। एक बात आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पर हम लोग हैव पढ़ रहे हैं, मैंने हैज़ क्यों नहीं बता रहा आपको? क्योंकि दोस्तों हैज़ अलग से कुछ होता नहीं है, हैज़ हैव से ही बनता है। कैसे बनता है सही बातें हम लोग इसमें देखेंगे। तो इतने टाइप्स के हैव हैं, ये हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करेंगे इस पूरी सीरीज के अंडर। और इस पार्ट वन में हम लोग कवर करेंगे डिटेल में हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस कैसे बनता है, और कब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है ये क्या है, सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर लेसन में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल इंग्लिश में कहाँ होता है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बेसिक बातें जानते हैं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म में हैव क्या है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म में जो हैव होता है उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये जो है वो सेंटेंस में हेल्प करता है मेन वर्ब की। तो हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, प्लीज याद रखिएगा। और हैव के बाद हमेशा जो वर्ब आती है, जो मेन वर्ब आती है, उसके हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं आ गया तो बोलूंगा आई हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। मैंने खेल लिया आई हैव प्लेड। ज्यादातर जो थर्ड फॉर्म होती हैं वो ईडी लगा के बन जाती है सेंटेंस के लास्ट, उस वर्ब के लास्ट में, ठीक है। अगर नहीं बन रही तो याद करनी पड़ेगी। जैसे टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, टीच डी नहीं होती क्योंकि वो टॉट होती है। तो पॉइंट क्या याद रखना है कि जो आज हम हैव पढ़ रहे हैं हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इस हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं ये हैव का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो ये जो हैव है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कब, जब हमें कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जो काम, जिसमें हमने काम अभी अभी खत्म किया है, हमारा काम जस्ट फिनिश्ड हुआ है, वहां पर हम लोग इस टाइप के हैव का इस्तेमाल करते हैं। कौन से टाइप का हैव? हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको समझ में आया हैव क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, कहां इस्तेमाल करते हैं? जब कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी आपने वो काम कंप्लीट किया है, वहां हम बोलते हैं। इसके बेस पर सेंटेंस बना के देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं आई के लिए सेंटेंस, आई के पॉजिटिव में। अगर आपको आई के पॉजिटिव में सेंटेंस बनाना है तो देखो क्या तरीका होता है। सबसे पहले आता है आई, उसके बाद आता है हैव, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहां पर आप आई हैव प्लेड, मैंने खेल लिया, अभी अभी खेला है मैंने, खत्म हुआ है। आई हैव प्लेड, आई हैव सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको बोलना है कि मैंने ये वाला चैनल जिसपे आप वीडियो देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कर लिया, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब चैनल, इसमें सब्सक्राइब की थर्ड फॉर्म होगी सब्सक्राइब्ड। अगर यही बात यू के लिए बोलनी है, तुमने ये कर लिया, तुमने तो गलती कर दी, यू हैव डन अ मिस्टेक, तो यहां पर आप क्या करेंगे? आई की जगह यू का इस्तेमाल कर लेंगे।
तो इस प्रकार से आप आई हैव वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके पॉजिटिव में सेंटेंस बना सकते हैं। अगर नेगेटिव में बनाना होगा तो क्या करना होगा, तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो नॉट लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर हमें जस्ट हैव के बाद नॉट लगा देना है। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसमें हैव के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे कोई काम अगर आपने नहीं किया है तो। जैसे मैं अभी पहुंचा नहीं हूं तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट रीच्ड, पहुंच गया तो आई हैव रीच्ड। मैंने अभी खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड। यू के लिए बोलेंगे तो यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। तो इस प्रकार से आप कितने भी सेंटेंस चाहें तो बना सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाया है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपने देखा नेगेटिव में, पीछे आपने देखा पॉजिटिव में। अब जरा पूछ के देखते हैं सामने वाले से, जैसे मैं तो आ गया, तुम आ गए क्या, तो कैसे पूछेंगे इस बात को। इसको पूछने के लिए हम लोग हैव को आगे ले आते हैं और फॉर्मूला बन जाता है हैव यू वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। हैव आगे आ जाएगा और आई की जगह यू आ जाएगा, तो बन जाएगा हैव यू वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने पूछा आपने अंग्रेजी बोल ली, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, आई एम आस्किंग यू दिस टाइम। अब आपका आंसर आ सकता है आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। और पूछते हैं, आपने उससे पूछ लिया हैव यू आस्क्ड हिम, मैंने आपसे पूछा, आपने उससे पूछ लिया क्या, हैव यू आस्क्ड हिम, आई हैव आस्क्ड हिम, आई हैव नॉट आस्क्ड हिम। हैव यू टॉट द क्लास, आई हैव टॉट द क्लास, आई हैव नॉट टॉट द क्लास। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूं, हैव यू सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, तो आप बताइए कमेंट में आपने कर लिया या नहीं किया है। हैव यू सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो उस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, किसी से हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो ये तो हमने बात की आई और यू के लिए, लेकिन वॉट अबाउट थर्ड पर्सन। अगर हमें थर्ड पर्सन की बात करनी है दोस्तों, तो जो भी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है थर्ड पर्सन के लिए, हम क्या करेंगे, हैव की जगह हैज कर देंगे। बाय द वे थर्ड पर्सन होता कौन है, आई और यू के अलावा जो भी होता है वो थर्ड पर्सन होता है, चाहे वो ही हो, सी हो, किसी का नाम हो, आपके मेरे अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन है। तो अगर थर्ड पर्सन के सेंटेंस बनाना है, पूछना है, मना करना है, तो जहां जहां हमने हैव का इस्तेमाल किया वहां हम क्या कर देंगे, वहां पर हम लोग हैज कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमने अभी क्या बोला, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, लेकिन ही की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही हैज थर्ड फॉर्म। मना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही हैज नॉट थर्ड फॉर्म। यहां सेंटेंस आप वही देख सकते हैं, ही हैज नॉट रीच्ड, ही हैज नॉट टेकन फूड, बाकी सब कुछ वही है, बस हमने आई और यू की जगह क्या कर दिया, हैज कर दिया है। पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, हैज आगे आ जाएगा। जैसे मुझे पूछना है क्या आपका भाई आ गया, हैज योर ब्रदर कम, यस माई ब्रदर हैज कम, माई ब्रदर हैज नॉट कम। और बनाएंगे, हैज ही टॉट द क्लास और हैज सी टॉट द क्लास, ही हैज नॉट टॉट द क्लास, सी हैज टॉट द क्लास। इस तरह से आप सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये हैव का पहला टाइप समझ में आया होगा। इसमें हमने ये देखा कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आते तो वो कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, जब कोई काम हमने जस्ट फिनिश किया है। आई यू के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन ही सी किसी नाम के लिए हैज का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट वही है, पूछते वैसे ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपना आप जरूर फीडबैक दीजिए कमेंट में, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और आपका अगर कोई भी सजेशन है तो आप जरूर बता सकते हैं, आप जरूर कमेंट करिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रह रहा है इस चैनल को लेकर, आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या आप कुछ सीख रहे हैं इन सब चीज़ों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन और जीएस में जो भी आपको अगर हेल्प कर रहा है, प्लीज़ डू टेल मी। क्यों बताएं आप, क्योंकि एवरीथिंग मैटर्स, जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सब कुछ मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, सब मैटर करती है। तो दोस्तों इतना ही रखते हैं आज के इस पर्टिकुलर लेसन में। इसके बाद मैं पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर ऐड करूंगा, हैव पूरा कवर कर लेंगे, और स्पोकन की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा, या फिर मैं एक हैव की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें हम लोग इंग्लिश का पूरा हैव कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।